फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम लेंगे इक्विटी मार्केट की अपडेट्स। इक्विटी मार्केट की कल की रणनीति के ऊपर बातचीत करने से पहले, कल है 19 जून 2020, आज थी 18 तारीख, अभी बज रहे हैं 4:20। कल की रणनीति के ऊपर बातचीत करने से पहले, हमने आज क्या रणनीति बनाई थी, क्या निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए थे, क्या हाई लगा, क्या लो लगा, कौन से स्टॉक्स को बाय करने कहा था, कौन सा स्टॉक्स हमारे पास होल्डिंग में पड़ा हुआ था, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। आज आप लोगों को निफ्टी का, अच्छा मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, एक दो चीज़ें। हम लोगों की तरफ से जो भी कॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों की तरफ से जो भी कॉल्स आप लोगों को जनरेट की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से की जाती है, 8975777001। और एक ही बैंक से हम लोग ऑपरेट करते हैं ना, पहले SBI बैंक का अकाउंट था, अब ICICI बैंक का करंट अकाउंट है, सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है, इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, और नंबर भी 8975777001, एक नंबर एक बैंक अकाउंट है। और मैं आप लोगों के साथ दो नंबर और शेयर करूंगा आने वाले दिनों में, जो ऑथराइज्ड होंगे आप लोगों को मेरे बिहाफ में बात करने से। जो मैं शेयर करूंगा नंबर, अब आज के बाद सिर्फ उसी नंबर से मैं आप लोगों की कोई भी अगर क्वेरी रहेगी, या फिर कोई मिसकम्युनिकेशन रहेगा, या फिर कोई कुछ गाइडेंस में कमी हो जाएगी, या फिर कुछ गलत गाइडेंस हो जाएगा, तो उसकी जवाबदारी उन नंबरों से बात की हुई बातों को समझा जाएगा और सुना जाएगा, बाकी कोई बात को नहीं सुना जाएगा। अगर आप लोग किसी और बैंक में से ट्रांजेक्शन करते हैं और फिर हम लोगों के पास क्लेम करते हैं कि मुझे सर्विसेज नहीं मिल रही है, तो भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और कोई नंबर से, अभी जो नंबर है 8975777001, सिर्फ उसी नंबर से आप लोगों की कोई भी बातचीत को समझा जाएगा और सुना जाएगा, बाकी अगर आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया या फिर कोई कम्युनिकेशन किया, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग की। मैं दो नंबर और शेयर करूंगा, पब्लिक टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नंबर पब्लिक टेलीग्राम के थ्रू दे दूं। चलिए बोल ही देता हूं मैं नंबर आप लोगों को, जो आगे के लिए नंबर होंगे, एक नंबर बोलता हूं अभी, 8530587555, 8530587555, ये नंबर ऑथराइज्ड होगा मेरे बिहाफ में और अपनी हमारी कंपनी के बिहाफ में बात करने के लिए। बात को आगे बढ़ाता हूं, आज निफ्टी के रेजिस्टेंस ये थे आप लोगों को 9980 का और 10225 का। आप लोगों को स्पेसिफाई किया था 9900, अच्छा चलिए खैर आगे बात, सपोर्ट क्या लिए थे 9840 9775, रेजिस्टेंस लिए थे 10, आज का हाई जो पोस्ट हुआ है, अच्छा 9735 का इसका मैजिकल फिगर था, 10103 का हाई पोस्ट किया है, 9825 का इसने लो पोस्ट किया है, 10074 में ये क्लोज हुई है। आप लोगों को कल के वीडियो में स्पेसिफाई किया था कि काफ़ी टाइम हो गया 9980 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है ये, अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 10025 का, लेकिन 10025 के बाद राम भरोसे गाड़ी। आप लोगों को एक फिगर और बोला था 10135 के आसपास का, आज 103 का हाई पोस्ट हो गया है, जो कल कहा था वो आज ही हो गया है। तो कुछ लोगों के मैसेज आया कि 9980 में बेचा उन्होंने, अभी 10070 चल रहा है, क्या करें भैया। 10025 का जो रेजिस्टेंस दिया था आप लोगों को, मैंने कल भी बोला था 10025 का इमीडिएट दूसरा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, अगर पहले रेजिस्टेंस में बेच रहे हो तो दूसरे रेजिस्टेंस के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लो, यानी 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता था। सुबह अगर बाय किए होते आप लोगों ने, सपोर्ट लेवल बताया था आप लोगों को 9840 का और 9775 का, 9825 का इसने लो पोस्ट किया है, लोअर लेवल के सपोर्ट में बाय करना चाहिए था, क्योंकि मैं आप लोगों को स्पेसिफाई किया था वीडियो में कि मुझे लग रही है अब तेजी, हो सकता है ये ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाए, और मैजिकल फिगर के नीचे नहीं लग रहा है। मैजिकल फिगर 9735 का था, अगर टूटता भी बाजार तो मैजिकल फिगर तक आ सकता था 150 पॉइंट और, लेकिन ओवरऑल ध्यान तेजी का है। मैजिकल फिगर हमारे ऐसे फिगर होते हैं जिनके ऊपर चलने पर बाजार होता है तेज, जिनके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा। तो यहाँ से भी आप लोगों को एक कन्फर्मेशन दी कि मैजिकल फिगर के ऊपर चल रहा है बाजार, तो बाजार है तेज, मंदी नहीं करना चाहिए। चलिए कल के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 10021 का, 9980 का जो रेजिस्टेंस, कल आज के लिए जो रेजिस्टेंस था वो बन जाएगा सपोर्ट, दोनों वही फिगर है, 10021 का सपोर्ट और 9980 का सपोर्ट। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 10155 10430, लेकिन 10430 का टारगेट अचीव होता है नहीं होता है ये तो कल का मार्केट ही बताएगा, बहुत बड़ा टारगेट है, कल वीकली क्लोजिंग भी होगी, यानी फ्राइडे है, फिर मंडे को बाजार खुलेगा, सारे फिगर चेंज आएंगे। अच्छा, अब मैजिकल फिगर जो मंडे के लिए, जो कल के लिए बन के आ रहा है, फ्राइडे के लिए वो बन के आ रहा है 9955 का, मैजिकल फिगर में बहुत तगड़ा चेंज हुआ है, 9735 से सीधे 9955,
ध्यान रखिएगा इसको। तो आप लोगों के पास सपोर्ट 3 हो गए हैं, 10,021, क्योंकि आज की क्लोजिंग 10,074 की हुई है, 10,021, 9,980 और मैजिकल फिगर 9,955 का। तेजी ही करना है, 9,950 के जब तक नीचे ट्रेड नहीं करा रहा है तब तक मंदी नहीं करना है। कोशिश करिए मंदी मत करिए, मंदी आ भी जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नुकसान आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाएगी, लेकिन तेजी पर बने रहिए। बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का आज लोग आप लोगों को रेजिस्टेंस बताया था 20,530 का, 20,825 का, सपोर्ट लेवल बताया था 20,100 का, 20,040 का, आज का हाई पोस्ट हुआ है 20,975, रेजिस्टेंस लेवल बताया था 20,825, और एक फिगर आप लोगों को वीडियो में बोला था उसका स्क्रीन पे उसका रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे उसको लिखा नहीं गया था, लेकिन मैंने आप लोगों को वीडियो में बोला था 21,050 का, 850 के बाद सीधे इसको 21,050 का लेवल लगता है। 20,975 का इसने हाई पोस्ट किया है, 19,977 का इसने लो पोस्ट किया है, जो आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताया था उससे 20-50 पॉइंट नीचे गया और वहाँ से 1,000 पॉइंट की रैली दे दिया। कल के लिए इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 20,820, 20,530, रजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 21,125 और 21,400। मुझे ऐसा लगता है 20,530 के नीचे जब तक नहीं जाता बाजार तब तक मंदी नहीं करनी चाहिए, तो ओवरऑल अभी तेजी का ध्यान रखेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक की, स्टॉक्स के लिए हमने क्या रणनीति बनाई थी। स्टॉक्स के लिए हमारे पास अल्ट्रा सेमको था, आज अल्ट्रा सेमको को आपको बाय करवाया था 3785 के बीच में बाय करने वाला था, 3769 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने वाला था 12-13 रुपये का, 100 रुपये की मूवमेंट खाई आज आप लोगों ने। 3840 और 3888 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 3885 का इसने हाई पोस्ट किया, 3777 का इसने लो पोस्ट किया है, कंफर्टेबली बाय दे रहा था आप लोगों को, कहीं कोई रिकावट नहीं थी, आराम से बाइंग मिल रही थी। क्लोज हुआ है 3844 में, पहला टारगेट अचीव हुआ, दूसरे टारगेट के लिए जो भी होल्ड कर रहे थे उनको मैंने कह दिया था कि पब्लिक टेलीग्राम में, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और कोई एग्जीक्यूशन करते हैं या फिर एग्जीक्यूशन करने की इच्छा रखते हैं तो पब्लिक टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी होती है, ताकि मार्केट से रिलेटेड जो मैं बात वीडियोस में करता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोगों से वो कोई अपडेट मिस ना हो। अल्ट्रा सेमको को आज बाय करने कहा था 2.25% का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, 2.25% हमने आज उसमें कैपिटलाइज किया है। दूसरा आप लोगों को बाय करने कहा था ICICI बैंक 335-339 की रेंज में, 329.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 346-355 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 354.70 का इसने हाई पोस्ट किया है, 337.20 का इसने लो पोस्ट किया है, 354.70 का हाई, 355 रुपये का टारगेट बोला था आप लोगों को, 352 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। हालांकि पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मैंने वहां पर 342 के आसपास इसका प्रॉफिट बुक करवा दिया था, तो ICICI बैंक में भी नई नई करके हम लोगों ने 1.5% के आसपास मुनाफा बनाया है। तीसरा आप लोगों को स्टॉक कहा था इंफोसिस को बाय करना था, 704 के आसपास, 706 का लो पोस्ट किया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। चलिए बात करता हूँ, अच्छा हमारे पास होल्ड क्या था, होल्ड हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्री था, रिलायंस इंडस्ट्री को हम लोगों ने कल के दिन बाय किया था 1603 के आसपास, टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 1640 के, 1630 में प्रॉफिट बुक करवा दिया था, तो वहां पर फिर से हमको 1.25% के आसपास का मुनाफा मिला होगा। दूसरा स्टॉक आप लोगों को कल आप लोगों के पास ITC था, कल का 182 के आसपास बाय करवाया था, 185 में आज उसको भी बुक करवा दिया, ITC में भी 1.25% के आसपास मुनाफा मिला होगा। तो आज तो स्टॉक्स में आप लोगों की हो गई है दिवाली, ICICI बैंक में 1.5% के आसपास, अल्ट्रा सेमको में 2.5% के आसपास, ITC में 1.25% के आसपास, RIL में 1.25% के आसपास, तो सब जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। परसेंटेज में इसलिए बोलता हूँ मैं ताकि आप लोगों की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना भी हो परसेंटेज ऑफ रिटर्न सेम आएगा अगर आप लोगों ने एलोकेशन मेरे हिसाब से किया है। तो बात करता हूँ कल के स्टॉक्स की, कल किन स्टॉक्स की रणनीति नज़र आ रही है। कल वापस से ITC को बाय करेंगे 185-186 के आसपास, 184-40 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, टारगेट 190 और 193 तक के एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा वापस से आज हम अल्ट्रा सेमको में दाव लगाएंगे, अल्ट्रा सेमको वापस से नीचे आ गया था, क्लोजिंग में 44 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 70 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। अल्ट्रा सेमको 3810-3820 के आसपास बाय करेंगे, वापस से एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 3781 का, टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 3890 और 4000 रुपये तक के। तीसरा स्टॉक होगा हमारा आईबुल को बाय करेंगे 154-155 रुपये के आसपास, 150.90 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, टारगेट 165 और 175 तक के। तो ये होगी हमारी कल के लिए स्टॉक्स की रणनीति, और निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को बता दिए हैं।
आप लोग अपनी रणनीति बना सकते हैं। कल मुझे लगता है आप लोगों के लिए भरपूर कमाई का मौका होगा। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी बहुत सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, आप चाहें तो सब जगह जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म होता है, आप चाहें तो उसे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारी बताई हुई रणनीतियों को, और जुड़ सकते हैं हमारे साथ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे और हमारी व्हाट्सएप सर्विसेज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।